हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिष्ठ कोडर्स। आज की क्लास का टॉपिक हमारे पास बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है। बबल सॉर्ट में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में एक एग्जांपल के साथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसका एक एल्गोरिथम जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके एल्गोरिथम को करने के लिए पहले मेरी रिकमेंडेशन है कि आप हमारा पिछले वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। इसके अंदर दो लूप चलते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जो पहला लूप है ये वाला, रिपीट स्टेप टू फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन, जो ये वाला लूप है ये हमारे नंबर ऑफ पासिस, मतलब कितने नंबर ऑफ पासिस हमारे पास होंगे ये वो डिपेक्ट करता है। और मैंने आपको बताया था कि हर बारी एक एलिमेंट सेट हो जा रहा है, इसीलिए हमारे पास एन माइनस वन पासिस होते जाएंगे, कम होते जाएंगे पासिस। जैसे जो जो एलिमेंट सेट होता जाएगा हमें उसके ऊपर वापस आने की तो जरूरत है ही नहीं। और आपको ये भी पता है कि एक बबल सॉर्ट के अंदर सब फर्स्ट पास के अंदर सबसे हाईएस्ट एलिमेंट सेट होता है, सेकंड पास के अंदर सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट सेट होता है इस तरीके से। और ये जो सेकंड वाला स्टेप के अंदर रिपीट स्टेप थ्री फॉर जे, जो जे वाला लूप चल रहा है टू एन माइनस वन, ये क्या सेट कर रहा है कि नंबर ऑफ कंपेरिजन इन ईच पास, जो ये पास हो रहे थे इनके अंदर जो बीच वाले कंपैरिजन थे ये भी तो कम हो रहे थे, क्योंकि जब एलिमेंट सेट हो जाता है तो वो भी कंपैरिजन कम होते जाएंगे, तो वो भी तो एन माइनस वन से कम हो रहे थे। जो मैंने पहले दिखाया था आपको एग्जांपल, जिस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले वाले एग्जांपल में हमारा क्या सेट हो गया था, वेरिएबल 98, और दूसरे वाले के अंदर 64, ऐसे कम हो जा रहे थे पासेस। तो हमारे पास 6 कंपैरिजन थे, फिर 5 कंपैरिजन होने लग गए थे पिछले वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग। और अब ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है हमारा स्वैपिंग, जो हम लोगों को स्वैप करना होता है ये उसका कोड है। मैं आपको स्वैपिंग का कोड एक बारी और समझाता हूँ अच्छे से, जिससे कि आपको स्वैप करने में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। सपोजिंग मैंने ये एलिमेंट जैसे पिछले वाले में लिखे थे, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे स्वैप करना है ये जो 98 वाला एलिमेंट है और ये जो 34 वाला एलिमेंट है, अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को स्वैप करना है तो कैसे करेंगे, देखो इन सबको पहले तो मैं बॉक्सेस में लिख लेता हूँ, ठीक है, इन सबको मैं बॉक्सेस में, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवन्थ एलिमेंट, सात एलिमेंट है हमारे पास ये पूरे एरे के अंदर। अभी तीसरे और जो चौथा एलिमेंट है मुझे इन दोनों को क्या करना है, मुझे इन्हें स्वैप करना है। तो आप देखिए ये किस तरीके से स्वैप होता है कि अगर, और इसको हम जे ले रहे हैं, जे लेंगे, ठीक है ना, इस जो जे वाली पोजीशन है हम लोग उसमें देखेंगे, एरे के जेथ पोजीशन पे। अगर मैं एरे के जेथ पोजीशन मतलब कि थर्ड वाले पे जो भी चीज़ पड़ी है उसे मैं एक टेम्प वेरिएबल में डाल दूँ, तो हम लोग एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, हमने ले लिया एक टेम्प वेरिएबल, उसके थर्ड पोजीशन में 98 पड़ा है तो मैंने 98 इसके अंदर डाल दिया, ये हमारा ए वाला स्टेप हो गया। बी वाले स्टेप के अंदर जो उसके ए ऑफ थ्री वाली पोजीशन है उसके अंदर मैं ए ऑफ थ्री प्लस वन मतलब फोर्थ पोजीशन वाली चीज इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो मतलब कि यहाँ से काट के मैं इस वाली पोजीशन में क्या डाल रहा हूँ, 34 डाल रहा हूँ, डाल दिया मैंने यहाँ पर 34 यहाँ पर आ गया। अब सी वाले में क्या हो रहा है, ए ऑफ जे प्लस वन, जे प्लस वन, जे को हमने थ्री लिया था, थ्री होती है थ्री प्लस वन फोर्थ हो गया, तो ये चार हो गया, थ्री प्लस वन ये चार हो गया ना, थ्री प्लस वन हो गया ना, जे थ्री है तो प्लस वन ओके हो गया फोर हो गया। इसके अंदर अब मैंने क्या डालना है, टेम्प, तो टेम्प में मेरे पास क्या था, टेम्प डाला और मेरे पास टेम्प में क्या था 98, तो यहाँ पे क्या कट के आ जाएगा 98। तो आपने देखा कितनी ब्यूटिफुली स्वैप होकर अब यहाँ पर हमारे पास 34 आ गया और यहाँ पर 98 आ गया। ये वो एक्सचेंज प्रोसेस है जिसको हम स्वैपिंग कहते हैं। और ये याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं ये स्वैपिंग यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल्स या थर्ड वेरिएबल ले कह के भी कई लोग कहते हैं, थर्ड वेरिएबल लेकर हमने स्वैपिंग करी है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बारी से पूछा जाता है, टेम्पररी वेरिएबल थर्ड वेरिएबल कहकर होती है, ठीक है। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए थी, आपको एल्गोरिथम बिल्कुल क्लियर हो गया, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक बात और, अब हम कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बारी पूछी जाती है, इसका बेस्ट केस कब होता है,
एक हमारे को ये पता होना चाहिए, इसका बेस्ट केस कब हो सकता है, जब एलिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी ऑलरेडी क्या हो, सॉर्टेड फॉर्म में हो, ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में हो, ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में हो। तो उस केस के अंदर जब वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, तो बीच वाले के अंदर जो हमारे पासिस तो चलेंगे, जो अनिंदर वाली स्वैपिंग होती है वो स्वैपिंग नहीं होगी। तो उस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस के अंदर एक ही लूप चल रहा है। देखो ये वाला लूप एन टाइम चल रहा है, ये वाला एन चल रहा है दो बारी, पर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस केस में, बेस्ट केस में ये वाला नहीं चलता लूप, ऊपर वाला चलता है, तो ओ एन हो जाएगी। और हमारे पास जो एवरेज केस क्या होती है, उसकी ओ एन स्क्वायर हो जाती है, क्योंकि दोनों चलते हैं लूप। और वर्स्ट केस के अंदर तो चलेंगे चलेंगे, दोनों ही चलेंगे। जब दोनों चलते हैं, देखो एक एक लूप चला वो एन, उसके अंदर एक और चलता है एन इंटू एन, क्या बन जाता है हमारे पास, एन स्क्वायर बन जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। वो कितनी बार चल रहे हैं, एन माइनस वन टाइम चल रहे हैं ना, एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन, इसके हाइएस्ट ऑर्डर को हम लेते हैं तो वो एन स्क्वायर ही बन जाते हैं। तो आपको बस एन में रिजल्ट में ये पता होना चाहिए, और मैंने आपको पहले भी वो बताया था कि वो एक 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 कम हो रहे हैं, एन माइनस वन, एन एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, इस तरीके से कम होते जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बेस्ट केस में ओ एन है, जिसके अंदर वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है, तो सिर्फ एक ही लूप चलता है जो हमारा ऊपर वाला है एन माइनस वन जो चल रहा है, तो वो सिर्फ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन आ जाती है। बाकी के अंदर एन माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है एन माइनस वन वगैरह से, तो ओ एन स्क्वायर एवरेज केस में, और वर्स्ट केस में भी ओ एन स्क्वायर। होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अभी एग्जाम्पल आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक छोटे से रिविजन चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, कि बबल सॉर्ट एक बहुत प्लेन एंड सिंपल एल्गोरिथम है। ये एरे के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर पासेज होते हैं, और पासेज के अंदर क्या होता है, कंपैरिजन होते हैं। पासेज जो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट से एन माइनस वन चलते हैं, और जो कंपैरिजन हो रहे होते हैं अंदर वो भी एन माइनस वन हो रहे होते हैं। तो इसीलिए दो लूप चलते हैं, एक बाहर वाला लूप चलता है, एक आउटर लूप जिसे कहते हैं, एक इनर लूप कहते हैं। अगर दोनों लूप चलेंगे तो एन माइनस वन एन माइनस वन, तो ओ एन स्क्वायर बन जाता है। पर जो जो मैंने बेस्ट केस में बताया था उसमें ये लूप चलता नहीं है, सिर्फ यही वाला चलता है, तो वो एन बन जाती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बट ये कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आपने पिछली वाली वीडियो हमारी देखी होगी। सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप दोनों वीडियोज को इकट्ठे देखें और समझ में आए, और ये वाला तो आप जरूरी याद रखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये वाली लाइन भी मैं एक बार और बता देता हूँ, स्वैपिंग होती कब है। देखिए जब मैंने आपको बताया कि सपोज इनको 94 एलिमेंट यहाँ है, यहाँ को 38 एलिमेंट है, और यहाँ पे मतलब सपोजिंगली मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में ये जो बड़ा वाला एलिमेंट है ये बाद में जाए, पीछे जाए। तो मतलब जो ए ऑफ जे वाला एलिमेंट है, ए ऑफ जे वाला एलिमेंट है वो बड़ा है किससे, ए ऑफ जे प्लस वन। ए ऑफ जे मतलब कि ये वाली जो लोकेशन वाला एलिमेंट है, जे अर्थ लोकेशन वाला, मतलब कि टू ले लो यहाँ पे, ए ऑफ टू वाली लोकेशन वाला एलिमेंट है वो बड़ा है किससे, ए ऑफ टू प्लस वन, टू प्लस वन मतलब थ्री वाली लोकेशन पे। ये जो बड़ा है इसको यहाँ पे आना चाहिए था, तब यही तो स्वैपिंग होती है। तो आई थिंक मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत क्लियर कर दिया है, एंड आई डोंट थिंक यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस इन योर एग्जामिनेशन। और एक बात का ध्यान रखना, अगर पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन आ जाता है, कोई आपको डिजिट्स दिए हुए हैं और एरे के अंदर, और आपको उसे सॉर्ट करने के बोला है, तो हर एक पास को ओपन करना है प्रॉपरली, जैसे मैंने पिछले वाले के अंदर किया है। हर एक पास को और हर एक में लिखना है स्वैप नो स्वैप, स्वैप नो स्वैप। उसके भी मार्क्स होते हैं, स्वैपिंग के भी मार्क्स होते हैं, इस वाले प्रोसेस को दिखा जो जो हमारे पास मेन जो पासेस होते हैं उसको दिखाने के भी मार्क्स होते हैं, और उसके अंदर जो कंपैरिजन होते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इट वॉज अ प्लेजर टीचिंग यू ऑल।